गाइस, स्वागत है मेरे एक और न्यू एक्सपेरिमेंट वीडियो में। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं सिक्के वाली टॉर्च, कॉइन वाली टॉर्च, कुछ इस तरीके की कॉम्पैक्ट साइज की छोटी सी टॉर्च। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक सिक्का लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर भी एक सिक्का लगा हुआ है। चलिए जान लेते हैं आज हम इस वीडियो में कि इस टॉर्च को हमने कैसे बनाया है। इसे बनाने के लिए हमें कुछ इस तरीके का टी टाइप का एक एल्बो वाला बेंड पाइप ले लेना है, जो कि इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा। उसके बाद ले लेना है हमें कुछ इस तरीके की लैपटॉप की 18650 लिथियम आयरन बैटरी। उसके बाद एक पुराने टॉर्च का एक कुछ इस प्रकार का आगे वाला हिस्सा, उसके बाद एक छोटा सा एलईडी बल्ब और एक एसटीएचपी स्विच। सबसे पहले हम बेंटी लेंगे और यहाँ से जो ये मैंने मार्क किया है इसमें हम कट लगा देंगे, और इतना कट लगाएंगे कि ये स्विच इसमें इजीली आ जाए। तो चलिए फटाफट करते हैं। यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छी तरीके से स्विच को यहाँ पर रोक दिया है, लेकिन हम इसे निकाल देंगे क्योंकि और भी काम है मेरे मित्र मेरे दोस्त। उसके बाद हम इसे लेंगे और इसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये टॉर्च का आगे वाला हिस्सा है, ठीक है, और जो मैंने ये एलईडी बताया था इसे हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगाएंगे। सबसे पहले हम इसे ओपन करते हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पर कुछ जुगाड़ करके हमें इसे रोकना होगा, तो चलिए फटाफट इसे रोकते हैं। कुछ इस प्रकार यहाँ पर लाइट को हमने रोक दिया है। सबसे पहले यहाँ पर हमने ग्लू गन डाली और उसके बाद इस लाइट को यहाँ पर ऊपर से लगा दिया और ये फिक्स हो गया, ठीक है। और अभी हम इन्हें जैसे के वैसे लगा देते हैं। उसके बाद हम बैटरी लेंगे और बैटरी को कुछ इस तरीके से यहाँ से डालेंगे कुछ इस प्रकार, और इस वाले रेड वाले वायर को यहाँ से हम इधर साइड से निकालेंगे, और बैटरी थोड़ी सी लूज हो रही है तो इसको हम थोड़ा सा फिक्स कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद लाइट को लेंगे और लाइट के एक नेगेटिव वायर को बैटरी के नेगेटिव वायर से कनेक्ट कर देंगे। फिर उसके बाद इस वाले वायर को हम यहाँ से डाल के इधर साइड से इसे निकाल देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हम इसे कुछ इस तरीके से रोक देंगे, लेकिन यहाँ पर ये लूज हो रहा है, इसे फिक्स बैठाने के लिए यहाँ पर हम टेप का यूज़ करेंगे। अब हम इसे फिक्स कर देते हैं यहाँ पर। ये अच्छे तरीके से फिक्स हो गया है, ठीक है। फिर उसके बाद इस स्विच के कनेक्शन कर देंगे, इस नीले वाले को इस नीले वाले के साथ कनेक्ट कर देंगे, फिर इस रेड वाले को इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। फिर हम स्विच को यहाँ पर इसकी जगह पर रोक देंगे। तो गाइज, यहाँ पर हम इन दोनों होल्स को बुझाने के लिए पीवीसी शीट नहीं बल्कि इन कॉइन्स का यूज़ करने वाले हैं। जी हाँ गाइज, यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से 10 रुपीज़ के कॉइन लेंगे और कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक कॉइन लगाएंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। आप देख पा रहे हैं परफेक्टली यहाँ पर बैठ गया, और ये एक यहाँ पर, ठीक है। इन्हें हम इंस्टेंट ग्लू से फिक्स कर देते हैं। फाइनली बन के रेडी हो चुकी है यहाँ पर हमारी सिक्को वाली टॉर्च, और गजब का लुक दे रही है एकदम। हमारे यहाँ पर सिक्के लगे हुए हैं, गाइज, और कॉम्पैक्ट साइज है एकदम छोटा सा, ठीक है। चलिए फटाफट हम इसकी टेस्टिंग भी कर लेते हैं कितना ये वर्क करती है। चलिए गाइज, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कोई भी फेक नहीं, ठीक है, जो कि आपके सामने मैंने बनाई थी टॉर्च वीडियो में वही है, ठीक है, और कोई भी फेक नहीं है। अभी मैं टॉर्च को ऑन करने जा रहा हूँ स्टार्ट। गाइज, देख पा रहे होंगे यहाँ पर कितनी अच्छी ये रोशनी दे पा रहा है, ठीक है। गाइज, आपको एक बार दिखा दो, देख सकते हैं आप, ठीक है, बहुत दूर दूर तक इसकी रोशनी जा रही है। और गाइज, आपको तो पता है कि मेरी कोई भी वीडियो फेक नहीं होती, हर चीज़ की मैं अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल टेस्ट करके दिखाता हूँ। मैं कहूँगा कि आप इस टॉर्च को बना सकते हैं, ठीक है, इजीली तरीके से जैसे मैंने बताया। लेकिन गाइज, इसमें एक प्रॉब्लम है, आपको इसमें चार्जिंग मॉड्यूल लगाना होगा, मैंने नहीं लगाया, और आप तो मेरे स्मार्ट सब्सक्राइबर में से हो, आप इजीली बना लोगे। गाइज, ये टॉर्च आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर अपना फीडबैक देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।